वेलकम माई यूट्यूब चैनल टीके क्लेयर्ड ब्लॉग चैनल में आप सबको स्वागत है। आ गया हूँ और एक ऑर्नामेंटल्स डिजाइन लेके। आज देखेंगे मूर्ति का, देवी माता विष्णु देव का और विष्णु भगवान का और गणेश जी का कमर में जो बेल्ट रहते हैं, वो कमर का बेल्ट कैसे बनाया जाता वो मैंने आज का वीडियो में दिखाएंगे। पहले एक ड्राइंग डाल लिया। ड्राइंग वीडियो में क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि वीडियो बहुत लंग हो जाएगा, जिसके वास्ते मैं वीडियो में ड्राइंग नहीं दिखाया। पहले एक हल्का सा ड्राइंग मार लिया, उसके ऊपर से वैसे मिट्टी चढ़ा के दो पहले फ्लावर बना ले रहा हूँ, एक बटन वाला फ्लावर और एक जूही फ्लावर। दोनों फ्लावर बना लिया हूँ। अभी थोड़ा थोड़ा करके इसको बटना पहले डाल लेंगे। कौन सा भी डिजाइन आप ध्यान दीजिएगा, बटना डिजाइन के अंदर रहना। बटना और रोप, जिसको रस से डिजाइन कहा जाता, वो रहना, क्योंकि वो रहे तो डिजाइन का लुक और भी दो गुना बढ़ जाते हैं, पेंटिंग में और भी खूबसूरत दिखाई देती है। ये बटना और रोप का जो प्लेस रहते हैं, ऐसा पत्ता बना लेंगे, रोमन पत्ता जैसा। ध्यान से देखिएगा, आप अगर घर से दो चार बार देखने के बाद अगर घर पे अगर ट्राई करें तो आप आसानी से कर सकते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो किया तो ज़रूर आप कर सकते हैं घर पे। मैंने जो भी बना रहा हूँ आपको इजी, अगर बहुत आसानी से जो डिजाइन आप उतर सकते हैं, वही प्रोसेस में मैंने बना के दिखा रहा हूँ। इसका दूसरा भी प्रोसेस है, वो थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है। एक पेपर में ड्राइंग डालने के बाद उसके ऊपर मिट्टी का पर प्लेट बना के, मिट्टी का प्लेट में वो पेपर ड्राइंग का स्टैम्प लेके आप ऐसे थोड़ा थोड़ा कार्विंग करके भी बना सकते हैं, ठीक है। और ऐसा डायरेक्ट ड्राइंग डाल के उसके ऊपर ऐसा थोड़ा थोड़ा करके मिट्टी डाल के डिजाइन का शेप बना सकते हैं। ऐसा दो तीन तरीका का डिजाइन आप बना सकते हैं दो तीन तरीका से। कमर बेल्ट का कंसेप्ट खाली यही अंत है ऐसा नहीं, बहुत वैरायटी है कमर बेल्ट का कंसेप्ट। मैं एक ही देखा रहा हूँ, पता नहीं आपको कैसा लगा। अरे एंड तक ये डिजाइन कैसा लुक आएगा वो भी मुझे पता नहीं, देखेंगे करते करते कैसा आता, ठीक है। अगर ये डिजाइन आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके साथ रहिएगा। अगर नया है तो, ये डिजाइन पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके मेरे चैनल में आइए, चैनल का अंदर आके और सब वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है, एट डिजाइन वाला वैरायटी वीडियो, आप प्लीज़ उसको देखिए। कमेंट बॉक्स में आपका मत दीजिएगा, कुछ फॉल्ट है तो मुझे बताइएगा, मैंने कोशिश करूँगा वो सुधारने का वास्ते। डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरा व्हाट्सएप नंबर एक ही है। आप चाहे तो कॉल कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे दे सकते हैं। मैंने आपको जानकारी सुनने के बाद मैं खुद सीखेंगे। आप कौन सा भी काम करते हैं व्हाट्सएप में, वो काम का फ़ोटो भी भेज सकते हैं, मैंने देखना चाहता हूँ आप कैसा काम करते हैं। अगर आपसे मुझे कुछ सीखने का मौका मिलेगा तो मैं खुद को खुश नसीब समझेंगे। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, ये जान के मुझे बहुत खुशी होगा। ऐसे स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन को उतार लेना पड़ेगा आपको।
तब आके डिजाइन का एक अलग मजा आ जाएगा। इसका भी मैंने पेरिस का मोल्ड बनाएंगे, और मोल्ड के लिए पहले मैंने कह के रख दिया है मेरा पूरा स्टेप बाय स्टेप। एक मूर्ति के लिए, एक मूर्ति बनाने के लिए जितना भी अर्नामेंट्स से फेस तक, मुंह तक, जो भी सब मैं इस चैनल में दिखाएंगे, और सबको मैंने डाई मारेंगे। अगर किसी को, बहुत सारा दोस्त ने मुझे डाई के लिए कहा था, मैंने ये डाई मैंने रेडी कर रहा हूँ। रेडी होने के बाद मैंने यूट्यूब में बता देंगे, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, करके डाई के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बहुत सारा दोस्त ने डाई मांगा। एक्चुअली डाई का बिजनेस मैं नहीं करता हूँ, मैं दूसरा प्रोफेशन में जुड़ा हुआ हूँ, ये काम मैंने नहीं करता हूँ। ये थोड़ा ऐसा घुमा के लगाए तो अच्छा लगता, इसलिए मैंने इसको घुमा के लगा दिया। देखिए, ऐसा चेंज करना ही चाहिए, क्योंकि कभी भी ड्राइंग जो है वो मिट्टी का काम में मैच नहीं होता, ठीक है, कभी कभी, इसलिए कभी कभी कुछ बदलना पड़ता, इसलिए बदल लिया हूँ, ठीक है। ये भी शायद बदलाना होगा, क्या ये भी उल्टा करना पड़ेगा है, देखिए और भी लुक अच्छा आएगा। ऐसा थोड़ा बहुत बदलना पड़ता काम करते करते, क्योंकि ड्राइंग और मिट्टी का काम दोनों कभी भी चेंज करना पड़ता। ड्राइंग में जो अच्छा लगता मिट्टी का काम में अच्छा नहीं लगता, जो मिट्टी का काम अच्छा लगा वो ड्राइंग में अच्छा नहीं लगता, ऐसा कभी कभी होता, तो उसको थोड़ा बदलना पड़ता। वो ध्यान दीजिए, जिन दोस्त ने पहले से सब्सक्राइब करके रखे हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, और जिन्होंने पहली बार इस चैनल को देख रहे, ये वीडियो देख रहे, मेरा वीडियो देख रहे, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके साथ रहेगा। मैंने ऐसे नया नया वीडियो मैंने अपलोड करते रहेंगे, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके साथ रहिएगा, अगर इस काम पे आप इंटरेस्ट है तो। बस, और ये दो तरी साइड में दो स्टेप बना लिया, तो दो डिजाइन बना लिया, तो मेरा काम ख़त्म। इसको नेक्स्ट फिनिशिंग करेंगे। देखिए, मेरे एक साइड का डिजाइन डाल लिया और एक साइड को डिजाइन डालेंगे। देखिए, ऐसा पूरा बनाना पड़ता, थोड़ा छोटा हो गया, यहाँ पे थोड़ा बड़ा चाहिए, ये भी थोड़ा, अभी ये मैच हो गया। बस देखिए, मेरा ऑलमोस्ट डिजाइन कंप्लीट हो गया, डिजाइन जमाना कंप्लीट हो गया, अभी इसको फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग हर काम का बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अक्सर कभी होता है जो मैं वीडियो के लिए जो काम कर रहा हूँ इसको फिनिशिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ। आप जब करेगा फिनिशिंग जरूर कीजिएगा, ऐसा लाइन मारना भी ज़रूरी है, नहीं तो डिजाइन का लुक बिल्कुल बेकार हो जाता। अगर मौका मिलेगा तो इससे भी बेहतर कुछ बना के दिखाएंगे। अभी मैंने ब्रश फिनिशिंग कर ले रहा हूँ, ब्रश मारने के बाद इसको, ये डिजाइन को पेरिस का मोल्ड बनाएंगे। बस मेरा ब्रश मारना कंप्लीट। अभी देखिए, पेरिस पतला करके पहले मिला लिया हूँ इसको, पहले पतला करके पहला कोट बिल्कुल पतला करके डालना पड़ेगा, नेक्स्ट कोट और थोड़ा गाढ़ा, देखिए थोड़ा गाढ़ा, बस और भी टाइट एक कोट, ऐसा करके
स्टेप बाय स्टेप कोट डालिएगा तो डिजाइन को कोई सिंक नहीं आएगा, एयर बबल्स ऐसा नहीं आएगा। बस मेरा मोल्ड कंप्लीट, आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में नए डिजाइन के साथ। बाय बाय।